स्वाभिमान में जिए, आप स्वाभिमान में जब जीना पसंद करेंगे, क्योंकि आप देखेंगे कि आप जब क्लास में समय से जाएंगे, ये सिर्फ विद्यार्थियों पर लागू नहीं होता है, ये शिक्षकों पर भी लागू होता है, तो उनके जो कई कलीग्स होते हैं, सहयोगी होते हैं, वो उसे परहेज करते हैं। हरिंदर सर तो जैसे लग रहा है कि सबके कलेक्टर पढ़ा के बना के देते, ये करते, लेकिन ये नहीं कोई बड़ाई करता है कि हरिंदर जी इस मतलब कड़ाके की ठंड में भी इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, शिक्षा का अलग जगा रहे हैं, शिक्षा का दान दे रहे हैं। मैं इस मंच से आपको उद्घोषित करता हूं कि शेखपुरा जिला में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों में मिला करके कम से कम आज की संख्या 400-450 होगी, लेकिन उन सारे तमाम शिक्षकों में से जितने अल्प अवधि में हरिंदर जी बुलंदियों को छुए हैं, निश्चित तौर पर आने वाला समय इनको और जिला में याद करेगा। यही किसी की जय जयकार नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर होता है, जज्बा होता है, और न सिर्फ कोचिंग संस्थान में बल्कि जिस संस्थान से ये जुड़े हैं, जो कर्मभूमि है, वहां भी इनकी प्रतिबद्धता है। और आपको जानकर और बेहद खुशी होगी कि पूरे शेखपुरा जिला में जो उन्नयन क्लास चल रहा है, जो स्मार्ट क्लास चल रहा है, उसके मॉनिटरिंग में भी है, और उसकी बेहतरी कैसे हो सके, उन्नति कैसे हो सके, इसमें भी ये लगे रहते हैं। साथ ही साथ विज्ञान शिक्षकों को ट्रेनिंग देने की बात हो, या बच्चों में कैसे संस्कार उत्पन्न कर सकते हैं इस तरह के व्याख्यान देने की बात हो, और शिक्षकों में कैसे सामंजस्य हो सकता है, ये तमाम बिंदुओं के ऊपर हम 2-4-5 लोग बहुत ही सक्रिय रूप से रहते हैं। ऐसा नहीं कि और बाकी लोग नहीं रहते हैं, लेकिन रहते हैं, लेकिन उनसे हमारा योगदान कहीं ज्यादा होता है। यही वजह है कि लोग पूछते हैं, लोग बुलाते हैं, लोग समझते हैं कि अगर किसी को हम 8 बजे बुला रहे हैं तो 8 बजे पहुंचेंगे, 8:55 में पहुंचेंगे, 9 बजे नहीं बजाएंगे वो। तो आपको जीवन में ये पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, कर्म के प्रति अपनी जो श्रद्धा है, आप समाज के प्रति बढ़िया सोचिए, परिवार के प्रति बढ़िया सोचिए, आप मनन करें कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो व्यक्तिगत हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है, हमारे उस कर्म से हमारे माता पिता के सम्मान को कितना ठेस पहुंचेगा, हमारे शिक्षकों को कितना अपमानित होना पड़ेगा समाज में। अगर जिस दिन आप इस बात को अंदर सोच लेंगे, उसी दिन आप जो गलत राह पर हैं, जो गलत कदमों पर आप जो चल रहे हैं, आपका चलना बंद हो जाएगा। आप सभी तमाम यहाँ पर जो विद्यार्थी, जो हमारे देश के नौलिहाल और कर्णधार यहाँ उपस्थित है, तमाम अभिभावक और तमाम शिक्षक साथियों से पुनः एक बार हम गुजारिश और ये अनुरोध पूर्वक कहते हैं कि आप जो कुछ भी वैसा करें, पहले अगर आपको लगे कि मैं जो कर रहा हूं वो जस्टिफाई है, वो हमारे अनुकूल है, तभी वो कार्य करें। आप देखेंगे कि जब आप ऐसा करेंगे, समाज में कोई तकलीफ नहीं होगी, समाज में कोई खाई नहीं होगी, समाज में कोई पीड़ा नहीं होगी। अंत में मैं जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में जो सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए मैं अपनी ओर से एक पुरस्कार की घोषणा इस मन से करता हूं कि अगर आप जिला में 1 to 10 पोजीशन अगर आप लाते हैं, 1 से 10 तक अगर आप एक अपना स्थान लाते हैं, चाहे वो किसी भी विद्यालय के विद्यार्थी हो, कोई भी बच्चे जो यहाँ पर हैं या इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, मैं अपनी ओर से आपको 1,000 रुपये पुरस्कार की राशि आपको मैं दूंगा, बशर्ते कि आप जो पूरे शेखपुरा जिला का जो माध्यमिक परीक्षा फल होगा उसमें आपका रैंक 1 to 10 आना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप इसके अंदर आप इसको याद भी रखेंगे कि मैं आपको 1,000 रुपये पुरस्कार की राशि दूंगा, लेकिन आपको 1 से 10 स्थान आपको लाना होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो और नए साल में आप बुलंदियों को छुए, तरक्कियों को छुए। मैं भूल गया था, मैं अपनी ओर से नववर्षा अभिनंदन आप सबों को, आप तमाम विद्वान शिक्षक साथियों को, सभी अभिभावकों को और सभी देश के नौनिहाल कर्णधार भविष्य को मैं आशीर्वचन और अभिनंदन करता हूं इन तमाम शब्दों के साथ कि आपने हमारी वाणी को, हमारे कुछ भी जो उद्गार थे, कुछ भी जो अपने विचार थे, जिसको आपको अपनाना चाहिए, जो अच्छे विचार हमारे थे उसको आप अपनाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार मैं जोरदार बुलंदियों से आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं कि मैं आगे बोलूंगी भारत माता की जय, और आप इसको दोहराएंगे, भारत माता की जय।